वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर व्लॉग। आज हम निकल रहे हैं बफेलो न्यूयॉर्क हमारे फ्रेंड्स के घर से टू न्यूयॉर्क सिटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रोड ट्रिप पे इतनी स्टेट्स क्रॉस किए, देखो अभी हम पेंसिल्वेनिया में आ गए हैं और यहाँ जाते जाते इतने सुंदर लेक और लेखो लेक में लोग कनूइंग कयाकिंग कर रहे हैं। तो लोगों को ना बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, यूएस मतलब बहुत सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग्स एंड ऑल, तो वो सिर्फ डाउनटाउन में थोड़ी ही जगह रहते हैं, बाकी पूरा यूएस देखो ऐसे ट्रीज, खेत, खलियान, लेक, रिवर और ऐसे पहाड़ों में ही बसा हुआ है। तो ये होता है बड़ी सिटीज में कि बहुत ट्रैफिक, 4 माइल ही है, 4-5 मिनट में पहुंच जाने वाले रास्ते में हमें लग गए हैं अराउंड 40 मिनट्स। तो इस टनल की खास बात ये है कि ये हडसन रिवर के अंदर से ये टनल जा रहा है, इसे हॉलैंड टनल कहते हैं। हम न्यू जर्सी, जर्सी सिटी टू मैनहट्टन ज्वाइन करने के लिए ये टनल है और हम आ गए हैं न्यूयॉर्क। ये डाउनटाउन है न्यूयॉर्क सिटी में जो है ना, उसका अगर मैप देखोगे जो सेंट्रल पार्क वगैरह आता है वो अप टाउन रहता है, जो टाइम्स स्क्वायर और बाकी चीज़ें हैं वो मिड टाउन आती है जो बीच में, और जो नीचे की साइड में आता है और मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी और उस साइड, तो उसे डाउन टाउन कहते हैं। तो दिस इज़ अप टाउन, मिड टाउन, डाउन टाउन एंड और यहाँ से हम हमारी अभी होटल में जाएंगे। मैं आप सबको अभी थोड़ी देर में हमारा जो होटल है रेसिडेंस इन मैरियट उसका टूर दूंगी। बहुत अच्छा होटल है, अभी हम जाके आए हैं तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बहुत बढ़िया है। ये देखो न्यूयॉर्क सिटी है, ये बहुत अच्छी अलग ही वाइब है यहाँ पे, मतलब इतनी भीड़ भी नहीं है, थोड़ी सी है, लोग अच्छे से जा रहे हैं, टूरिस्ट है और टू व्हीलर्स दिखेंगे आपको, साइकिल्स दिखेंगे, बहुत अलग सी व्यू है। इट्स लाइक दिस इज़ आवर होटल मैरियट रेसिडेंस इन। जैसे हमने चेक इन की देखो बहुत बड़ी लंबी लाइन थी चेक इन के लिए क्योंकि सब उसी टाइम पे आए थे, एंड वी आर एट 17th फ्लोर और मैं आप सबको अभी लेके जाऊंगी और रूम टूर के लिए। एंट्री है, एंट्री से दिस इज द फ्रिज, अच्छा है काफी, लाइट, हाँ ये लाइट, अच्छा नाइस फ्रिज, बेसन, एंड दिस इज द कबर्ड। अरे कबर्ड मध्ये पूर्ण ग्लास, कप, प्लेटी करायला आलोय का आपण सगळं दिलंय। अँड मायक्रोवेव्ह, अँड व्हॉट डज दिस हॅज, ओ दिस इवन हॅज कटलरी अँड अ टोस्टर अँड दिस हॅज सिक, दिस हॅज एव्हरीथिंग, काटा सॉरी चमचा, ये बाथरूम नाइस अँड क्लीन, अँड दिस इज काफी अच्छा है।
ये हमारा होटल है और होटल से ना हम जस्ट नीचे उतरे एंड सी लुक देयर आर लाइक सो मेनी ऑफ फूड कार्ट्स ओवर हियर स्पेशली इंडियन फूड कार्ट्स एंड ए वीरा इधर थम नो 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 इधर थम इधर थम एंड उधर भी बहुत सारे है जो ये जो प्लेस है ना मुझे ना तनु ने बताया था और उसने ये होटल और रिकमेंड किया था कि उसके सामने ही ये सारी चीज़ें हैं वेरी थैंक यू फॉर दैट तनु ब्रुकलिन ब्रिज तो होटल से अराउंड 13 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है ब्रुकलिन ब्रिज एंड यू वी आर एकदम कॉर्पोरेशन ब्रिज है तो $10 water, $10 water. तो हमारा एक कॉमन फ्रेंड है कुनाल वो अभी अभी न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट हो गया है तो वो आया था हमारे साथ तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी हेल्प हुई बहुत सारे डिस्टेंस कवर करने में सबवे जानने में एंड और इसलिए हम ये सब चीज़ें जो है टूरिस्टी डेस्टिनेशन इजीली कर सके तो आपको बहुत फ़ोटोज़ में और देखो पीछे अमरीश बात कर रहा है ही इज़ कुनाल से एवरीवन हाय कुनाल एंड थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस में जो कॉरपोरेशन है ना वहाँ आ गए हम ये देखो सो दिस इज़ ब्रुकलिन ब्रिज वो मैनहट्टन है वहाँ पे चल के आए बहुत बहुत भीड़ है क्रेजी देखो मतलब एक धमकी फ़ोटो भी नहीं आ रही ठीक से इतनी भीड़ My hand did have some bruising and swelling from the Xyflex injection the day before. They injected my hand with a local anesthetic, iced it, let me sit for a few minutes, and तो इट वॉज़ डिनर टाइम मतलब बाहर देख के आपको लगेगा कि शामी है पर नहीं 8:30 हो गए थे यहाँ पे इतने जल्दी सनसेट नहीं होता सो वी आर एट बनारस ये वहाँ पर ही पास में ही है अच्छा है रेस्टोरेंट यहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं इतने ऑप्शंस है इसलिए ना ये लोग बहुत कॉम्पिटिटिव भी रहते हैं तो प्राइस आप अगर US के बाकी जगह जाओ ना तो बहुत महंगा है पर यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्राइस थी हम लिया था पनीर टिक्का मसाला बनारसी कचौरी चाट नान एंड चिकन बिरयानी एंड ये है लैम्ब कोरमा सभी बहुत टेस्टी था सर्विस भी अच्छी थी प्राइस भी अच्छी थी और वॉशरूम भी है यहाँ इनके यहाँ सो दिस बिरयानी बहुत बढ़िया थी साथ में रायता वगैरह भी था अगर आप ब्रुकलिन ब्रिज और उस साइड जाओ आपको इंडियन खाना हो तो बनारस ज़रूर ट्राई करना ब्लॉग के बारे में अगर आपको कोई भी सवाल हो जैसे होटल का या ये रेस्टोरेंट का तो मुझे ज़रूर पूछना और ये नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप सबको ये सबवे सिस्टम और टाइम स्क्वायर कैसा है वो दिखाऊंगी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी नए वीडियो बनाने के लिए सो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय बाय टेक केयर